एक्ट्रेस श्रीदेवी के अंतिम दर्शन के लिए मुंबई में पूरे बॉलीवुड के साथ उनके फैंस और करीबी इंतजार कर रहे हैं। दुबई में सोमवार को जारी हुई फॉरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया कि श्रीदेवी जब बाथटब में थी तभी वे बेहोश हो गई। बाथटब में डूबने से उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और मौत हो गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपने कर्नाटक दौरे पर हैं। यहां उन्होंने सोमवार को मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर असफल रही है। अमित शाह ने कहा कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। सिद्धरमैया सरकार और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। सीएस अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में आरोपी विधायक की जमानत याचिका पर दिल्ली के एक कोर्ट में सुनवाई हुई। सोमवार को पुलिस ने कोर्ट में बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले से जांच के दौरान जो सीसीटीवी जब्त किए गए हैं उनसे छेड़छाड़ की गई। इन्हें जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। भूटिया ने सोमवार को ट्वीट कर राजनीति से अलग होने का ऐलान भी किया। उन्होंने लिखा, आज से मैंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी के सभी पद छोड़ दिए। अब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूं। विधानसभा चुनाव 2018 में टिकट की दावेदारी करने वालों के लिए कांग्रेस एक नया प्रयोग करने जा रही है। इस बार पार्टी टिकट की दावेदारी करने वालों से आवेदन के साथ 50,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा करवा रही है। महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावेदारों के लिए ये राशि 25,000 रुपए तय की गई है। ये राशि पार्टी में ही जमा हो जाएगी, चाहे टिकट मिले या नहीं। केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में मुरैना में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर को पेट में अचानक उठे दर्द के चलते एक बार फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविवार शाम को पर्रिकर ने बेचैनी की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। फिरकी गेंदबाज आईपीएल के इस सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब की कमान संभालेंगे। सोमवार को टीम डायरेक्टर वीरेंद्र सहवाग ने फेसबुक लाइव के जरिए अश्विन को टीम का कप्तान बनाने का ऐलान किया। एशियाई बाजारों से मिले संकेतों से लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 304 अंक बढ़कर 34,440 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 92 अंक की उछाल के साथ 10,583 अंक पर क्लोज हुआ। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही। सोमवार को उनका अंतिम संस्कार मुंबई में किया जाएगा। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने बड़ी संख्या में सेलेब्स पहुंच रहे हैं। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत एक दिन पहले ही यानी रविवार को ही मुंबई पहुंच गए। वहीं नीता अंबानी भी एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। शबाना आजमी और जावेद अख्तर ने भी होली पार्टी कैंसिल कर दी है। श्रीदेवी के घर के बाहर मीडिया, फैंस और पुलिस तैनात है।